यूपी एल्टी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टी जी टी पी सी मैथ्स के लिए कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हमारा वीडियो नंबर 32। इसमें पोर्शन चल रहा है द कॉम्प्लेक्सेस का, लॉगरिथमिक सीरीज, हाइपरबोलिक्स एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज वगैरह, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उनमें कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं और कुछ कुल मिला के 4 से 5 वीडियोज़ लगभग आनी है। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा, इफ टेन थीटा प्लस का आई फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा, सो करना है थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस का पाई बाई फोर। सॉल्यूशन लेते हैं इसका। गिवन था टेन थीटा प्लस का आई फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। जो कंडीशन गिवन है वो है टेन थीटा प्लस का आई फाई इक्वल टू कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। देन अब हमको जो निकालना है वो है थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो थीटा की वैल्यूज फाइंड करेंगे तो थीटा प्लस का आई फाई है, उसी में हम थीटा माइनस का आई फाई भी बना सकते हैं। जैसे टेन थीटा प्लस का आई फाई है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा टेन टेन थीटा माइनस का आई फाई इक्वल टू कोस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा। वैल्यूज है थीटा की, अगर हम टेन टू थीटा लिख दें तो टू थीटा को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, थीटा प्लस का आई फाई प्लस का थीटा माइनस का आई फाई। इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, यानी कि टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। टेन ए प्लस बी यानी कि टेन ए प्लस टेन बी, टेन टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी अपॉन वन माइनस का टेन ए टेन बी। ये चल रहा है टेन टू थीटा, यानी कि टेन टू थीटा इक्वल टू टेन थीटा प्लस का आई फाई है कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, एंड ये है कोस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा अपॉन वन माइनस यह हुआ कोस अल्फा प्लस का आई साइन अल्फा एंड कोस अल्फा माइनस का आई साइन अल्फा। आई साइन अल्फा से आई साइन अल्फा कैंसिल हो जाएगा ऊपर। ये चल रहा था हमारा टेन टू थीटा, ठीक है, आई साइन अल्फा से आई साइन अल्फा कैंसिल हो गया। टेन 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 टू थीटा इक्वल टू बना है टेन टू थीटा इक्वल टू टू कोस अल्फा अपॉन वन माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। आई स्क्वायर की जो वैल्यूज हैं वो वन है, आई स्क्वायर इक्वल टू सॉरी माइनस वन होता है, देन आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हुआ टेन टू थीटा इक्वल टू टू कोस अल्फा अपॉन वन माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस वन प्लस वन हो गया साइन स्क्वायर अल्फा, यानी कि टू कोस अल्फा अपॉन वन माइनस वन। ये हो गया अपॉन में जीरो है, टू कोस अल्फा अपॉन जीरो यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि टेन टू थीटा इक्वल टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जो वैल्यू होता है टेन नाइन्टी की होता है, यानी कि टेन टू थीटा, टेन नाइन्टी यानी कि टेन पाई बाई टू, टेन पाई बाई टू। जब इसका जनरल टर्म्स लिया जाएगा, व्यापक मान यानी कि जनरल टर्म्स में अगर क्वांटिटी लेंगे तो ये हो जाएगा टेन टेन टू थीटा इक्वल टू टेन एन पाई बाई टू, एन पाई बाई टू नहीं होगा, यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर निकल आएगा जनरल वैल्यूज़ के लिए। टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा से कंपेयरिंग करा देते हैं, कंपेयरिंग टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा से, थीटा की जगह टू थीटा चल रहा है यहाँ पे एंड अल्फा की जगह चल रहा है पाई बाई टू। थीटा का व्यापक मान है जनरल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा हुआ करता है। तो एन पाई प्लस अल्फा होता है टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा में, एंड थीटा की जगह हमारा टू थीटा चल रहा था, या एन पाई प्लस अल्फा की जगह है अल्फा की वैल्यू है पाई बाई टू, देन थीटा इक्वल टू हो जाएगा एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। यही हमको वैल्यू लाना था, थीटा इक्वल टू एन पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर। अब इसी पर डिपेंड एक और क्वेश्चन हो सकता है, फाई की वैल्यू यहाँ पे फाइंड की जा सकती है इसी क्वेश्चन में, तो वो अलग भी क्वेश्चन दे सकते हैं, इसमें भी दे सकते हैं। फाई इक्वल टू वन बाई टू लॉग टेन पाई बाई फोर प्लस अल्फा बाई टू, या ऐसे भी दे सकते हैं ई की पावर टू फाई इक्वल टू टेन
pi by 4 plus alpha by 2। ठीक है, दो टाइप से ये phi की वैल्यू आ सकती है। तो हमारे पास जो कंडीशंस आई थी, tan हमने यहाँ पे लिया था tan थीटा प्लस का i phi इक्वल टू cos अल्फा प्लस i sin अल्फा, एंड tan थीटा माइनस का i phi इक्वल टू होगा cos अल्फा माइनस का i sin अल्फा। tan थीटा माइनस का i phi इक्वल टू cos अल्फा माइनस का i sin अल्फा। तो tan अगर 2i phi लेते हैं तो 2i phi हो जाएगा tan थीटा प्लस का i phi माइनस थीटा माइनस का i phi। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा tan a माइनस b, a माइनस b, tan a माइनस b यानी कि tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा tan a माइनस tan b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, थीटा प्लस का i phi एंड tan थीटा माइनस का i phi। ठीक है, ए और ये भी tan a माइनस b, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। इसकी जो क्वांटिटीज है वो है cos अल्फा प्लस i sin अल्फा एंड माइनस, ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस i sin अल्फा अपॉन 1 माइनस cos अल्फा प्लस i sin अल्फा इनटू cos अल्फा माइनस का i sin अल्फा। ये था tan 2i phi, tan 2i phi इक्वल टू कंडीशंस आ गया cos अल्फा प्लस i sin अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस i sin अल्फा अपॉन 1 माइनस cos। ठीक है, यहां से हम phi की वैल्यू कलेक्ट कर लेते हैं, phi की वैल्यू यहां से निकालना है। तो यहां पे चल रहा है tan 2i phi इक्वल टू, यहां पे बनेगा हमारा cos अल्फा प्लस i sin अल्फा माइनस का cos अल्फा प्लस i sin अल्फा अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा माइनस i स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा। i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होता है, i स्क्वायर की वैल्यू होता है माइनस 1। यहाँ पे cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल होगा, ऊपर बनता है 2i sin अल्फा अपॉन 1 माइनस का cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, यानी कि 2i sin अल्फा अपॉन 1 माइनस 1 0। तो 2i sin अल्फा अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट बन रहा है। तो tan नहीं, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हो गया है, हाँ 1 प्लस होगा नीचे tan a माइनस tan b, हाँ यह फॉर्मूला मिस्टेक हो गया, tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b होता है। tan a माइनस b का हमने फॉर्मूला लगाया था, एक थोड़ी सी गलती हुई है इस क्वेश्चन में, tan a माइनस b यहाँ पे अप्लाई किया था, तो tan a माइनस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b, यहाँ पे प्लस साइन होगा नहीं तो जीरो हो जा रहा, जीरो से आंसर यह मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर यहाँ पे हमारी जो मिस्टेक है वो ये है, ये 1 प्लस 1 2 हो जा रहा है, यानी कि 2i sin अल्फा अपॉन 2 कैंसिल होगा, आएगा i sin अल्फा। ठीक है, ये आ चुका है i sin अल्फा, यानी कि tan 2i phi इक्वल टू tan 2i phi इक्वल टू आ चुका है i sin अल्फा। इसकी जगह पे टोटल क्या है, i sin अल्फा इक्वल टू आ गया i sin अल्फा। ठीक है, तो tan i sin अल्फा को लिख सकते हैं i tan हाइपरबोलिक 2 phi इक्वल टू था i sin अल्फा, i से i कैंसिल हुआ, tan हाइपरबोलिक 2 phi इक्वल टू sin अल्फा। tan हाइपरबोलिक का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, e की पावर 2 phi माइनस e की पावर माइनस 2 phi अपॉन e की पावर 2 phi प्लस e की पावर माइनस का 2 phi इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन 1। इसको अब सॉल्विंग करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व कर देते हैं। तो e की पावर 5 की वैल्यूज यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, तो आप इसको हटा देते हैं, देन e की पावर 2 phi माइनस e की पावर माइनस का 2 phi इक्वल टू साइन अल्फा एंड e की पावर 2 phi प्लस का e की पावर माइनस का 2 phi। इसको सेपरेट कर ले रहे हैं, सेपरेट करने के बाद e की पावर 2 phi वाले एक साथ आ जाएंगे, तो ये हुआ e की पावर 2 phi माइनस e की पावर माइनस 2 phi इक्वल टू e की पावर 2 phi साइन अल्फा प्लस e की पावर माइनस का 2 phi साइन अल्फा। एक साथ में इसको लेते हैं तो ये हो गया e की पावर 2 phi माइनस e की पावर 2 phi साइन अल्फा इक्वल टू e की पावर माइनस का 2 phi साइन अल्फा प्लस e की पावर माइनस का 2 phi। तो e की पावर 2 phi हो गया 1 माइनस का साइन अल्फा इक्वल टू e की पावर माइनस 2 phi 1 प्लस साइन अल्फा। ठीक है, ये इसके अपॉन में ले आएंगे, e की पावर 2 phi अपॉन e की पावर माइनस 2 phi इक्वल टू 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन
1 माइनस का साइन अल्फा, यानी कि e की पावर 4 पाई इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, कोस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, और ये नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस का कोस पाई बाई 2 प्लस अल्फा, यानी कोस 90 प्लस थीटा जो होता है वो कोस 90 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा के बराबर होता है। कोस 90 प्लस थीटा 1 प्लस साइन अल्फा, सॉरी दोनों में एक साथ तो एक जैसा नहीं होगा, ये आना है 10 में टूट के, ठीक है, तो इसको हम तोड़ दे रहे हैं। कोस 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन होता है, एक में माइनस होना चाहिए एक में प्लस होना चाहिए, अगर माइनस प्लस अलग अलग होगा तो ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। हाँ ठीक है, कोस 90 प्लस अल्फा जो होता है वो माइनस का साइन अल्फा होता है, कोस 90 प्लस अल्फा माइनस साइन अल्फा होता है, तो नीचे जो माइनस साइन अल्फा को हमने लिखा है प्लस का कोस 90 प्लस अल्फा, और ऊपर जो लिखा है कोस 9 माइनस साइन लगा दिया, कोस 90 प्लस अल्फा को माइनस साइन अल्फा होता है तो प्लस साइन अल्फा को यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ठीक है, ये साइन का थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा था, इससे जो है थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा था, अगर ऐसा नहीं कंडीशन करेंगे तो आंसर भी नहीं बनेगा, तो ये कंडीशन में लाना भी बहुत ज़रूरी है। e की पावर 4 फाइव इक्वल टू 1 माइनस, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस का अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 2 प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया है, उसके बाद जो टर्म्स बनेगा वो है e की पावर 4 फाइव इक्वल टू 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2 अपॉन 2 कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2, ये कैंसिल हुआ, e की पावर 4 फाइव इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2, यानी कि e की पावर 2 फाइव का हॉल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस का अल्फा बाई 2 का हॉल ऑफ स्क्वायर, देन e की पावर 2 फाइव इक्वल टू होएगा 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है, e की पावर 2 फाइव इक्वल टू आ चुका है, e की पावर 2 फाइव इक्वल टू 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 आ चुका है, अब यहाँ पे 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 आ चुका है, अगर फाई के टर्म में ले लें तो लॉगरिथम लेना पड़ेगा, ये इस तरह से होगा, यानी कि 2 फाई इक्वल टू लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, या फाई इक्वल टू 1 बाई 2 लॉग 10 पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2, यही इसका आंसर लाना था।